हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस एमसीक्यू। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1955, बी 1855, सी 1930 एंड डी 1952। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था 1952 में। 1952 में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। आंसर ऑप्शन डी 1952। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ऑप्शन ए बर्नर वान ब्राउन ने, बी एडवर्ड टेलर ने, सी सैमुअल कोहेन ने एंड डी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम को विकसित किया था सैमुअल कोहेन ने। सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। आंसर ऑप्शन सी सैमुअल कोहेन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? ऑप्शन ए क्लोरीन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन एंड डी ऑक्सीजन। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो इनमें से हमारा सूक्ष्म तत्व है हाइड्रोजन। आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वह सूक्ष्म तत्व है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव, बी जीनोम प्रभाव, सी डी ब्रोगली प्रमेय एंड डी ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? बिग बैंग थ्योरी जो है वह सिद्धांत पर आधारित है जिसे हम लोग कहते हैं डॉपलर प्रभाव, या डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। आंसर ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? ऑप्शन ए पावली, बी मोसले, सी एनरिको फर्मी एंड डी रोजर बेकन। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन पर बनाया गया था? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। आंसर ऑप्शन सी एनरिको फर्मी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी उत्परिवर्तन एंड डी संवेग संरक्षण। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम हमारा आधारित है नाभिकीय संलयन पर। आंसर ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।